नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान टेक्निकल हेल्पर के सिलेबस के बारे में। तो आप सभी ने काफ़ी सारे कमेंट किए थे कि आपको टेक्निकल हेल्पर का सिलेबस क्या होता है। आज हम टेक्निकल हेल्पर के सिलेबस के बारे में देखेंगे। तो इसमें देखिएगा, जो टेक्निकल हेल्पर का सिलेबस होता है वो दो पार्टों में डिवाइड होता है। इसके साथ में हम देखेंगे 2014 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी कौन सा सिलेबस है, क्या बदलाव हो सकता है, आज हम इसी के बारे में देखेंगे। तो देखिएगा, जो टेक्निकल हेल्पर का सिलेबस होता है उसमें देख लीजिएगा, टेक्निकल हेल्पर तो देखिए दो पार्टों में बटा हुआ होता है, दो पार्टों में बटा हुआ होता है, जिसमें देखिएगा इसमें होता है पार्ट एक और पार्ट दो। पार्ट ए और पार्ट दो, पार्ट ए और पार्ट बी। तो इसमें देखिएगा, जो पार्ट ए होता है ना, पार्ट ए में आपके 100 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 100 क्वेश्चन, और प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होता है। तो टोटल मार्क्स हो गए आपके 200। 100 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक 2 अंक का होता है, टोटल मार्क्स हो गए आपके 200 अंक के। जबकि जो पार्ट बी होता है इसमें आपके 50 क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं? 50 क्वेश्चन आते हैं। इसमें देखिएगा 50 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का होता है, प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का होता है। तो टोटल ये आपके 50 मार्क्स के हो जाएंगे, 50 मार्क्स के। देखिएगा, टोटल जो क्वेश्चन होंगे उनकी संख्या होगी आपके 150 टोटल क्वेश्चन, और जो टोटल मार्क्स होंगे वो देखिएगा 250 हो जाएगा, 250 टोटल मार्क्स हो जाएंगे आपके। 200 तो पार्ट ए में आएंगे, 50 पार्ट बी में। तो पार्ट ए में आएगा आपका वो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड होती है, इसमें तो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के 100 क्वेश्चन आते हैं। तो आप सभी को मालूम होगा इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के 100 क्वेश्चन आते हैं, जब पार्ट बी में 50 आते हैं। अब देखिएगा, जो पार्ट बी में होता है वो 2018 के अनुसार है, यह जो सिलेबस है उसमें 2018 के अनुसार बता रहा हूँ मैं। तो इसमें देखिएगा आपको 2018 और 2014 में और 18 में पार्ट ए, पार्ट ए है ना जो सेम होता है, 100 क्वेश्चन आते हैं जो भी सेम इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से संबंधित आते हैं। जबकि जो पार्ट बी होता है ना, इसमें बदलाव होता है पार्ट बी में। तो देखिएगा, 2018 में जो सिलेबस आया था, पार्ट ए में आपके इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के 100 क्वेश्चन होते हैं और पार्ट बी में 50 होते हैं। 2018 के में 50 अंक के जो क्वेश्चन आते हैं, 50 जो क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपके मैथ के क्वेश्चन आए थे आपके 25, जो कि हर शिफ्ट में जो 18 शिफ्ट में पेपर आया था उन सभी में 25 क्वेश्चन था आपके मैथ के आए थे, जो कि नॉर्मल थे। उसके बाद में आपकी जो आल जी के आई थी, इसमें जो आल जी के में आपके क्वेश्चन आए थे 25, जिसमें आपके जीके भी हो गई, जिसमें जीके के क्वेश्चन आए थे 10, करंट अफेयर्स के भी आए थे, और इकोनॉमिक्स के 2 से 3 क्वेश्चन आए थे इकोनॉमिक्स के। और उसके बाद में जो कंप्यूटर के, इसमें देखिए कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आए थे, कंप्यूटर के क्वेश्चन। तो कंप्यूटर के क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में लगभग एवरेज 5 क्वेश्चन का था, 5 क्वेश्चन आए थे। तरीके देखिए, कंप्यूटर का हर शिफ्ट में आपके 5 क्वेश्चन आए थे, कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन आए थे। जबकि जो आपके इकोनॉमिक्स होते हैं उसके 2 से 3 क्वेश्चन आए थे, और जीके होती है जो राजस्थान की होती है, उसके बाद में इंडिया की भी आती है। तो देखिएगा, इसमें जीके में जो क्वेश्चन आते हैं उसको मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए 2014 में जो बदलाव होता है पार्ट बी में, तो उसमें देखिएगा 2014 में देखिए आपका जो पार्ट बी होता है इसमें 50 क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपके 5 क्वेश्चन तो मैथ के आए थे, मैथ्स के, और 5 क्वेश्चन आपके मिक्स में आए थे। जबकि जो राजस्थान जीके के क्वेश्चन आए थे, राजस्थान जीके के जो क्वेश्चन आए थे वो आए थे आपके 40 लगभग, 40 क्वेश्चन राजस्थान जीके से संबंधित है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, राजस्थान में जो 2014 का सिलेबस था उसमें आपके 40 क्वेश्चन तो राजस्थान जीके से संबंधित थे, जबकि आपके पास 10 ही क्वेश्चन आए थे। तो देखिए 2018 का पैटर्न तो ये रहने वाला है। फिर इसमें देखिए पार्ट बी में, पार्ट ए में तो इलेक्ट्रिशियन के क्वेश्चन आएंगे, आप सभी को मालूम होगा पार्ट ए में तो इलेक्ट्रिशियन के क्वेश्चन 100 आते हैं, जबकि पार्ट बी में है ना, जो देखिएगा मैथ के पिछली बार 2018 में 25 क्वेश्चन आए थे हर एग्जाम में, जो कि इतने ज़्यादा कठिन नहीं थे, नॉर्मल क्वेश्चन थे। और जो जीके से संबंधित है उसमें, जबकि जो बदलाव होता है, यानी 2013 का पैटर्न बताया जा रहा है, तो 2013 का पैटर्न 2014 में एग्जाम हुआ था, तो इस पैटर्न में देखिएगा आपका जो भी है यहाँ पे राजस्थान की जीके बहुत कम आई थी। जबकि 2014 में जो पेपर हुआ था उसमें राजस्थान की जीके के 40 क्वेश्चन आए थे, जबकि 10 क्वेश्चन में आपके मैथ और इसमें 5 क्वेश्चन और आए थे करंट से संबंधित। तो इस तरीके से देखिएगा 2013 वाले पैटर्न में आपके 40 क्वेश्चन जीके से संबंधित आए थे राजस्थान से, जबकि अब की बार 5 से 10 क्वेश्चन आए थे जीके से संबंधित,
बाकी सभी करंट अफेयर्स और डाल दिए थे। तो इसमें आप सभी ज़्यादातर जो पढ़ाई करनी है वो करनी है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के आपके 100 क्वेश्चन आता है, इन्हीं से ज़्यादा आपको पढ़ाई करनी है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के। उसके बाद में आपको मैथ पढ़नी है, मैथ के बाद में कंप्यूटर। कंप्यूटर देखिएगा आजकल सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन आने लग गए हैं। तो आप सभी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड को ज़्यादा टाइम दीजिएगा, फिर उसके बाद में मैथ, फिर के और फिर कंप्यूटर। तो इस तरीके से आप सभी तैयारी कीजिएगा। आशा करता हूँ आपको यह सिलेबस समझ में आ गया होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।